कांग्रेस की राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अमरवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी काफी मजबूत है, अमरवाड़ा उपचुनाव दोनों पार्टियों की नाक का सवाल है। वहीं उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में भी केंद्र सरकार को घेरा है, पहले भी वो नीट को लेकर सवाल उठाते रहे, लेकिन विवेक तन्खा साहब ने क्या कहा जरा सुनिएगा मीडिया से बात करते। दोनों पार्टीज इसलिए चिंतित होंगी क्योंकि मोहन यादव जी अगर ये चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर ये जो 29 चुनाव एमपी का जीते हैं उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आप किन कैसे जीते हो, किन परिस्थितियों में जीते हो। और जीतू के लिए ये चैलेंज है, 29 हारने के बाद जीतना उसके लिए एक अनिवार्यता है। इसलिए दोनों के दोनों पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए हैं, जनता इसका जवाब देगी। बट मैंने बोला ना कि हमारा कैंडिडेट के बारे में, उनके सम्मान और उनकी उनकी स्थिति के बारे में पब्लिक परसेप्शन अच्छा है। मुझे आश्चर्य है, मुझे पीड़ा भी है इस बात को लेके, जैसे व्यापम में इनको कोई सबूत नहीं मिले वैसे लगता नीट में भी इनको कोई सबूत नहीं मिलेंगे। अगर मिली भगत होती है तो कभी सबूत नहीं मिलता है, और निष्पक्ष जाँच होती है तो सबूत अपार अवेलेबल है। मुझे बहुत दुख है जो करोड़ों बच्चों के साथ ये विश्वासघात हो रहा है, मैं इसको देश इसको माफ नहीं करेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे विवेक तन्खा को, वो कह रहे थे कि जिस तरह अमरवाड़ा की दिखाई दे रहा है तो अमरवाड़ा में दोनों दल, वो अपने दल की बात भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया भी कि जीत हार से फर्क किसको पड़ेगा, मोहन यादव जी का नाम भी ले रहे थे, पर बहुत दिलचस्प हो गया अमरवाड़ा का। लेकिन नीट को लेकर जो बात कही जा रही है, नीट की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीट में कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी है, जरा सी भी गड़बड़ी है, तो फिर इस पर जांच होना चाहिए, विचार होना चाहिए, पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इस तरह की रिपोर्ट सौंपी गई है, उसी को लेकर विवेक तन्खा बात कर रहे थे। तो राजनीतिक खबरों में तमाम बातें हम आपके पास लेकर आते हैं, आपको बताते हैं आखिर मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में क्या चल रहा है। तो आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत,